हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ब्रदरहुड में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 150 पोस्ट जो कि प्रिंसिपल के लिए निकाली गई है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। अगर आपने बीएड की है, एमए की है और आप के पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोस्तों, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देनी है। ऊपर जो वेबसाइट दी गई है ppsc.gov.in, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन पोस्टों की पूरी डिटेल देने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, जिसके अंतर्गत जो 62 पोस्ट हैं वो रखी गई हैं। उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन, उसके अंतर्गत 10 हैं। उसके बाद फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है, उसके अंतर्गत 2 हैं और स्पोर्ट पर्सन उनके लिए 3 हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत अलग अलग जो कैटेगरी हैं डिसेबिलिटी की, 7 जो पोस्टें हैं वो रखी गई हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट अदर पंजाब, इसके अंतर्गत 16 पोस्ट हैं और इसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट अदर ESM LDESM, इसके अंतर्गत 3 पोस्टें हैं। वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब, इनके लिए 16। वाल्मीकि मजहबी सिख ESM LDESM पंजाब, इसके अंतर्गत 3। वाल्मीकि मजहबी सिख स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब, इसके लिए 1। बैकवर्ड क्लासेस पंजाब 16। बैकवर्ड क्लासेस ESM LDESM 3। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके अंतर्गत 16 पोस्ट रखी गई हैं। 3 नंबर के अंतर्गत अगर हम पे स्केल देखें तो 15,600 से 39,100 और जो ग्रेड पे है वो 6,600 मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंतर्गत जो सरकार की नीति है उसके अंतर्गत आपको जो इसका भुगतान किया जाएगा। 4 नंबर पर हम देखें तो इसके लिए जो ज़रूरी जो योग्यता है वो क्या है, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत होनी चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा 45% मार्क्स इन द कास्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। बीएड यानी डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा जो वोकेशनल मास्टर हैं, वोकेशनल लेक्चरर हैं, कंप्यूटर मास्टर और कंप्यूटर फैकल्टी टीचर हैं, इनके लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यह एक्सपीरियंस गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं कक्षा में आपके पास पंजाबी विषय होना अति ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 18 साल से 37 साल तक होनी चाहिए और इसकी जो डिटेल है वो आप जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको वेबसाइट ppsc.gov.in पर मिल जाएंगी। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, जो इन पोस्टों के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन होगी, उसका जो टेस्ट है वो मई 2020 में लिया जाएगा और आपकी जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो
31/5/2020 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस डिटेल वगैरह है वो आपको ppsc.gov.in पर मिल जाएंगी। लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30/4/2020 है। इसके अलावा जो फीस है वो जमा करने की अंतिम तारीख है 7/5/2020। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।